बल ऐसा बना लें कि कम अज कम या अय्युहल्लज़ीन आमनू के बाद अल्लाह क्या कह रहा है इसको थोड़ा हम पढ़ते रहा करें कि हमें पता तो चले कि इस कायनात का मालिक क्या चाहता है, क्या कहता है, किस चीज़ से रोकता है, किधर बुलाता है, किसे हकीकत कहता है, किसे धोखा कहता है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि चूंकि अल्लाह के इल्म से दूरी है, अल्लाह के इल्म का ज़ौक भी नहीं रहा, तो अब अपने इल्म के मुताबिक चलना शुरू किया। तो इस वक्त सारी दुनिया पर मग़रिब का कब्ज़ा है, मग़रबी फ़िक्र का कब्ज़ा है, और अहले मग़रिब के तसव्वुर में न जन्नत है न जहन्नुम है, सिर्फ यही ज़िंदगी है, और इंसान के अंदर खूब से खूब की तलाश है, लिहाजा वो इसको जन्नत बनाने का जोर लगा रहे हैं, इसे जन्नत बनाना है। लेकिन ये बन नहीं सकती, डिज़ाइनर ने डिज़ाइन नहीं किया, उसके निज़ाम से टक्कर है, हो नहीं सकता। अच्छा फ़र्ज़ करो बन भी जाए, मौत को क्या करेगा, मौत से कहाँ से भागे। वो जो बाज़ रिवायात में आता है कि यमन के बादशाह शद्दाद ने कहा जो जन्नत मुसलमानों का रब उनको मौत के बाद कहता है मैं यहीं बना देता हूँ, तो उसने पूरा एक छोटा सा शहर आबाद कर दिया, बनवाया, जिसमें सारे घर सोने के चांदी के और सड़कें सोने की चांदी की। काफ़ी अरसा वो जन्नत बनती रही बनती रही, और जब वो मुकम्मल हो गई तो वो उसका इफ्तिताह करने के लिए गया, एक पांव अंदर था एक बाहर था, अल्लाह ने कहा जान निकालो, दरवाजे पर गिर के मर गया। तो इसका क्या करेगा, उसे देखना भी नसीब ना हो। एक दफा अल्लाह ताला ने इज़राइल से पूछा, कभी किसी की जान लेते हुए रहम भी आए, कहने लगा दो दफा। ये इतनी मजबूत रिवायात नहीं है, कमजोर रिवायात हैं, पहले मैं बता देता हूं। कहा एक दफा एक कश्ती टूट गई, एक औरत एक तख्ते पे जान बचाने के लिए सवार हो गई, कुछ बह गए वो बच गई, उसने वहां बचा जाना, तो तूने मुझे कहा इसकी जान निकाल ले औरत, तो मुझे इस बच्चे पे रहम आया कि इसका क्या बनेगा जो बीच समंदर पानी में अभी पैदा हुआ है। और उसके बाद शद्दाद की जान निकालते हुए रहम आया कि कमबख्त ने इतनी जान लगा के जन्नत बनाई, तूने देखने भी ना दिया और दरवाजे भी जान निकाले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें खबर है ये शद्दाद कौन है। कहा नहीं। कहा ये वही बच्चा है जिस पर तूने रहम खाया था, मैंने उसे रिस्क दिया मुल्क दिया, वो मेरे ही मुकाबले में खड़ा हो गया। तो आज का जो इंसान है वो इस दुनिया को जन्नत बनाना चाहता है, नहीं बन सकती। यही हो जाए ना अगर कि ये ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए जो है, तो बस यही हमारी जन्नत है। अच्छा ज़िंदगी का अच्छा होना एक और चैप्टर है, और ज़रूरियात ज़िंदगी का अच्छा होना ये और चैप्टर है। हर इंसान खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी हर इंसान खूबसूरत नहीं ले सकता। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम, हमने तुम्हारे दरमियान रिज्क को तकसीम किया है। यबसुतुर रिज्क लिमन यशाउ व यक़दिर, किसी को ज़्यादा देते हैं किसी को कम देते हैं। जनवरी फरवरी हमारा चिल्ले की जमात थी, अफ्रीका के 8 मुल्क, हजारों साल पुरानी ज़िंदगी देख के आए हैं, वहाँ एक दिन गुजारना मुश्किल था, वो नस्ल दर नस्ल आबाद हैं, और शायद हमसे ज़्यादा खुश होंगे वो।
तो आसाइश सहूलत ज़रूरियात ज़िंदगी हर एक के लिए बराबर नहीं हो सकती, लेकिन ज़िंदगी खूबसूरत हर इंसान गुजार सकता। डिफेंस में रहता हो या उधर लियारी में रहता हो, ज़िंदगी खूबसूरत बन सकती। वो जो मैं 8 मुल्क देख कर आया हूँ अफ्रीका के, उनमें रहता हो या अभी मैं इंग्लैंड से होके आ रहा हूँ, 2 हफ्ते का मेरा सफ़र था, वहीं से सीधा आपके पास आ रहा हूँ, या इंग्लैंड की ज़िंदगी हो, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना हर मर्द औरत के लिए बराबर असबाब है। ज़रूरियात ज़िंदगी किसी की ज़्यादा किसी की कम। ज़िंदगी खूबसूरत बनती है अल्लाह और उसके रसूल के सामने सर झुकाने से। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल्यौमल आखिर वज़कर अल्लाह कसीरा। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। अल्लाह यूं भी कह सकते थे कि मेरे नबी तुम्हारे लिए मुकम्मल ज़िंदगी लाए हैं। मुकम्मल, मुकम्मल का लफ्ज़ हैवी बनता है, मुकम्मल पता नहीं कर सकी या ना कर सकी, पता नहीं होवे ना होवे। तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे नबी तुम्हारे लिए बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी लाए, और ख़ूबसूरती की तरफ दिल खिंचता है, खूबसूरती की तरफ दिल खिंचता है। ये फ़ानूस बड़े खूबसूरत लगे हुए हैं, तो इनको देख के अपने आप दिल खुश होता है। हर खूबसूरत चीज़ की तरफ दिल खिंचता है, वो आवाज़ हो, वो कलाम हो, वो तहरीर हो, वो कोई मंज़र हो, वो कोई शक्ल सूरत हो, वो कपड़ा हो, वो जेवर हो, घर हो, गाड़ी हो, हर खूबसूरत चीज़ की तरफ दिल खिंचता है। तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे नबी तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत ज़िंदगी लाए। कायनात में कोई मर्द औरत अगर ज़िंदगी खूबसूरत बनाना चाहता है तो उसे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे चलना पड़ेगा। और पैसे से आप ज़िंदगी की ज़रूरतों को खूबसूरत बना लेंगे, आप अच्छी गाड़ी ले लेंगे, अच्छा घर बना लेंगे, अच्छे कपड़े पहन लेंगे। जब मेरे नबी ने अख्लाक दिखाए तो अल्लाह ताला फरमाते थोड़ा जा सख्त होया कर, थोड़ा जा नरम होया कर। जैसे अल्लाह ने कहा लंबी नमाज ना पढ़ मेरे नबी, थोड़ा दरमियानी पढ़ें, सारा खर्च ना करें, कुछ बचा के रखें, ज़्यादा रोएं धोएं नहीं, अपना काम करें, तबलीग करें, इतना ज़्यादा दुख दर्द ना उठाएं। जब अल्लाह के नबी ने अख्लाक में परवाज़ की तो अल्लाह ताला ने शाबाश दी, इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। ऐ मेरे हबीब, आपका रब आपको शाबाश देता है कि आपके अख्लाक बहुत आलीशान हैं, बहुत आलीशान। आप इंसानी अख्लाक जो सोचे जा सकते हैं सब आपके ताबे हो चुके हैं, सब आपके ग़ुलाम हो चुके हैं, और आप उन पर छा चुके हैं। इन्नका लाला लाला, आप छा चुके हैं सारे अख्लाक पर। और कसम उठाई, कसम के साथ, नून वल कलम वमा यस्तुरून, मुझे कसम है कलम और उसकी तहरीर की। मा अंत बिनिअमत रब्बिक बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मेरे हबीब, आपका रब कसम उठा के कहता है सारे अख्लाक आपके गुलाम बन चुके हैं, आपके ताबे हो चुके हैं। तो मेरे भाई बहनों, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो अपने नबी वाले अख्लाक सीख लें।